राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज शिमला में सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों के लिए एक विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल सरकार के सूचना व जनसंपर्क प्रधान सचिव सुभाषीष पांडा उपस्थित रहे। सत्र में वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने आज के समय में मीडिया के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों, मीडिया के बढ़ रहे सोशल मीडिया और वेब रीच व ग्लोबल प्रभाव पर भी विस्तृत चर्चा की। इस सत्र के दौरान अपने व्यक्तित्व में सुभाषीष पांडा ने कहा कि मीडिया राष्ट्र को एकजुट व सशक्त बनाने की भूमिका निभाता है और इसका उदाहरण हमें कोरोना महामारी के समय देखने को मिला। आम आदमी की आवाज को उठाने के साथ ही सकारात्मक खबरों को उजागर करने से राष्ट्र निर्माण में सहयोग मीडिया से ही मिलता है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से राष्ट्रीयता के निर्माण में सहयोग की अपील की। विशेष बात मैं संक्षिप्त में रखना चाहूंगा कि आज की जो टॉपिक है नेशन बिल्डिंग थ्रू द प्रेस, एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिकॉज नेशन इज नॉट अबाउट ओनली ए ज्योग्राफी, केवल एक भौगोलिक परिस्थिति के कारण कोई नेशन नहीं बन सकता है। जो अंडर करेंट उसका रहता है, उसको बनाए रखने के लिए, वो है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ए सेंस ऑफ फीलिंग कि हम एक हैं, अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमें कोई अलग अलग नहीं कर सकता है। जहां तक का आम आदमी का आवाज पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि सरकार को पता चले कि कहां पे गैप्स है, कहां कमी है, लेकिन साथ में पॉजिटिव न्यूज भी फैलाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, प्रोत्साहित करें हर एक व्यक्ति को। ऐसे ऐसे आप अपने आर्टिकल्स लिखें, अपने न्यूज आइटम्स बनाएं, जिससे कि चेंज फॉर द बेटर हो, इम्प्रूवमेंट हो और साथ में लोग प्रेरित भी हों कि अपने देश के लिए और अच्छा काम कर जाएं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।